स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम तीन JLPT N5 के ग्रामर पैटर्न्स को पढ़ेंगे, स्मोरी, ताई और उम्मो। हम शुरू करें उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसा कंटेंट रेगुलरली लाना चाहते हैं आपके लिए N5, N4, N3, N2 के लिए। पहला पैटर्न है स्मोरी। स्मोरी का मतलब है प्लान करना कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ। एक हम सेंटेंस समझते हैं, दो हिंजी शुरू स्मोरी देश का, मतलब प्लान कैसे है कि तुमने कैसा सोचा है कि तुम उसको कैसे रिप्लाई करोगे, कैसे तुम उसको आंसर दोगे। सेकंड सेंटेंस समझते हैं, सोरे ओ दोकुनी काकेरू त्सुमोरी देश का। तो काकेरू का बात है जब हमें कोई चीज़ टांगनी होती, जैसे कपड़े टांगते हैं वगैरह वगैरह, हैट टांगते हैं। तो यहाँ पर त्सुमोरी आ रहा है कि तुम कहाँ पे टांगना चाह रहे हो, क्या प्लान कर रहे हो, मुझे प्लान बताओ। इस तरीके से इसका यूज़ है। सेकंड ग्रामर पैटर्न है हमारा ताई। ताई का मतलब मैं कुछ करना चाहता हूँ, ऐसा जो है कि मेरी इच्छा है करने की। फॉर एग्जांपल हम सेंटेंस पढ़ते हैं, वताशी मो सोतो नी देते रुकी ताई, कि मैं भी बाहर जाके वॉक करना चाहता हूँ। तो ये इच्छा अपनी जाहिर करना है। सेकंड सेंटेंस क्या है, हितो वा रिकाई सारे ताई। रिकाई का मतलब होता है समझना, हितो इंसान, सारे ताई मतलब। ये एक अलग ग्रामर की फॉर्म है जो हम आपको आगे लेके आएंगे कि लोग ऐसा हमसे चाहते हैं, लोग क्या चाहते हैं, समझना चाहते हैं। तो सारे ताई मतलब लोग चाहते हैं कि हमें सामने वाला समझे, ये इस ग्रामर पैटर्न का मतलब है। तो एंड में आप देख रहे हैं ताई आ गया और मीनिंग चेंज हो गया। थर्ड पैटर्न है हमारा मो। मो का मतलब ऑलरेडी, बहुत हो गया है और नहीं, इस टाइप में यूज़ होता है। सेंटेंस पढ़ते हैं, वो तो सा गाको नानते मो याद आयो। तो हमें लग रहा है कि ये घर की बातचीत है, थोड़ा इनफॉर्मल है, अपने फादर से बात हो रही है कि अब मेरे को स्कूल वगैरह नहीं जाना प्लीज़। तो यहाँ पे दिख गया है कि वो थक गया है कि अब नहीं, नॉट एनी मोर। सेकेंड पैटर्न हम इसका समझते हैं, तोशी हिको वा मो जू रोकू साई दाता, कि तोशी हिको अब 16 साल का हो गया है। जू रोकू 16, जू 10, रोकू 6, साई मतलब एज, एज के बाद आता है। तो जू रोकू साई 16 एज। तो ये जो पर्सन है अभी 16 साल का ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैटर्न है वो है मो की, ऑलरेडी हो चुका है। तो प्लीज़ ऐसे नई वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम चाहते हैं न्यू कंटेंट आपके लिए लेके आना, चाहे वो N5 का हो, वोकैबुलरी, कांजी, ग्रामर, N4, N3, N2। हम हर लेवल के स्टूडेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं ताकि वो इजीली JLPT क्लियर कर पाए। हम ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कराते हैं, सो उसके लिए आपको हमारे को मेल करना है japanese real3@gmail.com। एंड डिफरेंट लेवल्स की क्लासेस अवेलेबल है, वीकेंड एंड वीकडे बैचेस भी है, एंड बेस्ट रीजनेबल प्राइस पे है। सो दैट हमारा मेन मोटिव क्लियर हो पाए आपका जापानीज लेवल क्लियर करने का। ऐसे नए वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दो और वीडियो लाइक कर दो।